यूं कहने लाग गया कि भाई इब के कहूं जवाब इस छोरे ने, पिताजी मेरी नाड काट ले सतगुरां की, के इज्जत रहेगी काल ने, हमने टूक तो दिया को नहीं, उसको फांसी और तोड़वावांगे, नो कहीं ये करवाना हम चोरी आड़े, बस कर कमीज का आंख छोरे की नाड पर मारी, गर्दन के दो हो गए धड़ से अलग हुई, पकड़ कर उसकी चोटी अरला के ताक में धर देता है। तो उसकी मां कहने लगी नेकी के छोरा धड़ की तरहगी, नो बली उल्टा जा अरबानिया घर ने ना रखा, उस लाश ने बाहर पड़ी पावेगी। वो वापस जाता है, बाणिया ने देखी कही तो 302 का मुकदमा हो गया तेरी जान ने, उस छोरे की लाश ने ठाक है और अपने मकान से दूर गिरा और अपना लीप ल्याप के वो करके ला कर डले उल्टे और नो हो गया दोनों इसका, और रेता मार दिया बाहर तक दोनों थी एक होना मारा चोरी ना हो, बैठ गया भीतर। लाश ने ठाक है सम्मन लाके एक बोरी गेर देता एक कूण में गेर के, और देखो बेचार की बात, वहां पर नेकी उसकी मां छोरे की लाश एकले की पड़ी है और मां रोटी पोवे, रोटी बना के सब्जी सारा सौदा जो भी उसका बनाया, और सुबह दिन लकड़ते तीनों महात्माओं से अर्ज करी गुरुवर भोजन पालो, माटी के कसूरे थे दौड़े थे उनमें तीन दोणा में डाल दिया। तो कबीर साहब भी बैठ के, कमाल भी, शेख फरीद भी कहने लगे कबीर साहब के भाई इनको छह आम कर दो, तीन वो प्राणी थे तीन वो महात्मा थे। तो सम्मन ने बोला महाराज जी हम तो फिर पालेंगे, आप महात्मा सो हम पाछे खावांगे, अगर आत्मा और परमात्मा एक कह नूर जहूर तेरे मर मेरे में कोई अंतर नहीं बेटा, बैठा बराबर में। अब वो नो कहेंगे तीसरा कितने लावांगे, और जय ने नो बेरा पट गया कि छोरा काट दिया ते रोटी नहीं खांगे ते कोर्ट मुकदमा जान ने। तो वो सहज सहज घना जोर दिया, जब पांचा में गाल दिया, फिर महाराज ने बोले छह में करो, छह में गाल दिया, अकाओ बैठो। अब नो नहीं कहण के मारे के छोरा मरिया पड़िया से बैठ जा सर, अब नो जकर सतगुरु ने भी नहीं किया कि छोरा कित से, तो बोले आओ सेव जीम लो बंदी छोड़ कबीर साहब, ये प्रसाद प्रेम, और भाई सर कटा करें चोरा के, तुम तो साधु हो साधा के नहीं तकसी, बोल सतगुरुदेव। इतने में छोरे का सर उस धड़क पर जुड़के और पंगत मां बैठा, वो लड़का महाराज गरीबदास जी कहते नहीं घरारा नाड़ के ओ सेवक ना, और सिमन आ बैठा पंगत में जी में मां, अभी आपको सुनाएंगे वाणी मुझे याद नहीं। तो कभी नो आके बैठ गया, उसके कितने नाड़ पे निशान भी नहीं कटे हुए का, यू ओ से उसक दूसरा, बोल बंदी छोड़ मार। अब हमने भगवान कृष्ण को परमात्मा की संज्ञा में क्यों लिया था कि तामर दज का लड़का काट के जिंदा कर दिया था, और इस भगवान ने इसे इसे सैकड़ों कर रखे, पर इसको भगवान स्वीकार करने कोई तैयार नहीं, क्योंकि इनकी लीलाओं का प्रचारक कौन हो पाया, और इनकी लीलाओं का प्रचार जब हो जाएगा ज्ञान हो जाएगा तो पता लग जाएगा। ऐसी बात नहीं भगवान वह भी से और परमात्मा यो भी से, तो इस प्रकार वो लड़का जीवित हो जाता है। तो यहां कहा ग्रीव निश्चय सेव शीश चढ़ाया, चोरी संत सधारे बनिया कुंजा पकड़ लिया है करद शीश उतारे, ग्रीब निश्चय से शीश चढ़ाया चोरी संत सधारे बनिया कुंजा पकड़ लिया है करद शीश उतारे, ग्रीब पिता सम्मन और माता ने की जिनके निश्चय भारी जहां कबीर कमाल फरीदा भोजन की भई त्यारी, ग्रीब सेऊ धड़ पे शीश चढ़ाया मीन मेख ना कोई आजर नाजर मिले बिसंबर ऐसा निश्चा सोई। तो इस प्रकार बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की वाणी को जब आप सुनोगे इतना निश्चय हमारे ऊपर हो जाना चाहिए। अब हम आगे बताते हैं गरीब कनक जने हो कंद दिखाया है रे दास रंगीला दरे 700 अंग तास को ऐसी अद्भुत लीला। अब हमारे मन में यू बैठ रही थी कि विद्वान जो होते हैं ना चारों वेदान जाननी है और क्या घड़ी बड़ी तप कर रहे हो नो बैठ कर कई हजार वर्ष आई हम उनको साधु मान्या करते नहीं। बंदी छोड़ महाराज प्रमाण देते हैं और हम रोज पढ़ते भी हैं उनको, पर हम मानना फिर भी उस बंदूक खाड़े नहीं सब बड़ा अफसर।
तो बात यह है कि शक्तियां उन संतों में भी है, जैसे एसपी में भी शक्ति होती है और इसमें हौलदार में भी हो सके और डीआईजी में भी हो सकती, लेकिन मुख्यमंत्री तले तले नीचे नीचे। अब मिलिट्री में ले लिए कर्नल भी जर्नल भी सारा में शक्ति हो से, और बंदूक और तोप और सारा खजाना हो सके, पर प्रधानमंत्री तो ऊपर नहीं हो सकते। इसी प्रकार कितना बड़ा सिद्ध हो जाओ पर कबीर साहब ते तले नीचे नीचे, ये उन्हीं से भक्ति उन्हीं की शक्ति से ही वो कुछ प्रफुल्लित हो रहे से। और जिस दिन इनकी मन चाहोगा उस जर्नल में भी एक लोधर देंगे ठाक है, और कर्नल ने भी कोई भी गलती या उन्हें ना मनमानी करनी चाहिए तो उनके हुक्म से ही वह तोप चलाएंगे तो वह कामयाब रहेंगे, मन मर्जी जिस दिन बरत देंगे उस दिन ना तो वह जर्नल सर ना कर्नल सर ना एसपी सर, क्योंकि वह और सुप्रीम पावर से उनके। इसी प्रकार अब ये जो सिद्ध होते हैं कई बार मनमानी से अपनी सिद्धि दिखा देते वो नरक के भागी होते, क्योंकि मनमानी सिद्धि दिखाण से वह नाजायज बंदूक की गोली चला दी। अब सिद्धि कबीर साहब दो रवि से, पर इन्होंने दिखाई नहीं हुआ बंदूक, आवश्यकता पड़ने पर चलाई तो वो कामयाब रहेंगे। जैसे बंदूक क्यों दी गई है कि उसमें कुछ नियम है, जैसे सिपाही को दी के और किसी को पिस्तौल दिया कि इन परिस्थितियों में प्रयोग करोगे तो आप दोषी नहीं हो, और बिना किसी के अपनी मनमर्जी से वहीं ठोक दोगे तो अंदर कैद का वहां जाओगे दोषी हो। इसी प्रकार संत कबीर साहब ने जो बताई ये बिल्कुल हम उनको एक कति जाट उदाहरण के अनुसार आपको समझाने की कोशिश करेंगे, अपनी जितनी बुद्धि मेरी काम करे, पर इस वाणी को सबके बस का नहीं है कि इसने समझ लियो। तो यहां हमारे जो मन में विचार थे, तो एक बार रविदास जी रामानंद के शिष्य हुए, क्यों हुए, क्योंकि कबीर साहब ने रामानंद पंडित ब्रह्मचारी अखंड ब्रह्मचारी योगी ज्ञाता वेदों के उनका भ्रम तोड़ा कि ऊंच नीच कुछ ना सा महाराज जी, या जात पात तो घर की घड़ी हुई से, बुरे काम करनिया चाहे पंडित हो चाहे जाट हो चाहे बाणिया वो महानीच है, और अच्छे काम करनिया चाहे चूड़ा हो चाहे किसी जाति का हो वो आदरणीय और पूजनीय है चाहे चमार हो, और आपने तो एक जात बना दी उस जात का चाहे भगवान हो उसमें उन्होंने कहेंगे नीच है, हम नहीं मानते इस बात ने। महाराज कहेंगे चूड़े का चूड़ी का विश्वास है तो के पंडित का जी, अगर आत्मा जिसका चूड़ी का दिल पाक है तो हमारे लिए वह पूजनीय और आदरणीय माई है, आमन पंडित और विद्वानों की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार जो बंदी छोड़ की बात को समझेगा तो यथार्थता में पहुंचेंगे, नहीं तो हमने और पुड़ कर दो धर्म बना लिए, फिर जात बना ली, ऊंच नीच कर लिया, लठम लठा मर पड़ कर फिर गधे बन जाते। एक बार रविदास जी ने रामानंद जी से उपदेश लिया, लेकिन वह गुरु मान्या करते कबीर साहब को, क्योंकि मार्गदर्शन और नाम भी फिर कबीर साहब से ले लिया था उन्होंने। शुरू शुरू में तनो भ्रम तोड़न खातिर रामानंद जी का कति अकिस चमार ने भी दे नाम, उस समय तो बहुत ज्यादा जात पात थी, यदि ईब फर्क पड़ रहा है ना तो 50 साल पहले यहां देख लेते। तो उस समय आज से 600 साल पहले रविदास जी एक चमार जाति से थे और उन्होंने रामानंद जी से नाम लिया, फिर कबीर साहब से ले लिया था। एक दिन एक पंडित जी न्यो बोला कि रविदास, क्योंकि भक्ति तो उनकी फैल ही चुकी थी, कुछ सिद्धियां थी उनमें, शक्ति होगी थी, भक्ति में वैसे शक्ति हो जाती है बिना तप करें भी, नाम में कितनी शक्ति है। तो उस तेने बोला आजा रविदास तेने गंगा जी नुआ के लाऊं दूर तक खड़ा खड़ा। ने बोला पंडित जी गंगा मारी ताड़े है घर आए, जैसे गरीबदास जी कहें घट ही में गंगा घट ही में जमुना घट ही में जगदीश, जिसने अंदर की गंगा यानी ईश्वरीय शक्ति को संतरित और दर्शन कर लिए तो उसकी गंगा सारी से, ना उस गंगा में निरी नाय तो काम नहीं चलता बीरा। तो जी पर न्यो बोला पंडित जी तू जा सहने एक काम कर दिए मेरा के, या मेरी कोडी ले जा, धो दा के महाराज कबीर रविदास ने अपने हाथ धोए फिर कोडी धोई, कदे पंडित जी ना छुए, और न्यो करिए गंगा जी ने मेरी कोडी दे दिए, क्योंकि वहां दान करते हैं पैसे का डालते हैं गंगा में, और जब दिए जब गंगा हाथ काट लेने बार ने, और न्यो कह दिए रविदास ने भेजी से रात काट के लेगी तो दिए ना, मेरी कोडी की बेइज्जती मत करिए, उल्टी ले आना। बोला अच्छा तेरी कोडी और गंगा फिर हाथ काट के लेगी, अग देख अर्ज से पंडित जी ना लेना तो उल्टी ले आइए, अर्ज से मेरी अतरे से प्रार्थना। अर्ण्यो कह दिए कि हे गंगा मैया, भगत संत रविदास जी ने आपके लिए एक कोडी भेजी है, और इसको अपने कर मंडल से अपने कर कमलों से ग्रहण करो,
उसने नहा धोकर उन्हें सोची चल उस पाखंडीए की अजमा के देख लिया साची सह जूठी। उसने उसी तरह यह संवाद उच्चारण किया ये वचन, उसी समय गंगा जी ने न्यू हाथ काट लिया, दोनों हाथ काटे, एक हाथ में कौडी ले ली और एक हाथ में कंगन। न्यो बोला बोली विपर जी यो मेरा कंगन उस आदरणीय पूजनीय संत रविदास जी दे दिए और उसकी कौडी मन कद कद मेरा इसे संत के हाथ की रिया वस्तु मुझे मिल गई मत धन्य होगी। न्यू लेकर कौडी और वापस चली गई। अब रविदास जी अब पंडित जी के मन में आ गया बेईमाना इतना सुंदर कंगन है बाकी तो देखा न सुनया। उन्हें सोची तो के करेगा उस चमारते ही देख है चाल राजा ने दूंगा अर्तन इनाम मिलेगा। राजा के पास गए राजा को दिखा महाराज इतना आकर्षक उसके आकर्षण था उसके अंदर कंगन ने देखते ही राजा ने बोला रानी ने दू प्रसन्न होएगी। रानी को पहुंचा दिया अंदर से खबर आई कि एक और चाहिए ईसाई जब मैं राजी हूं और अति शीघ्र चाहिए। अब राजा रानी का हुक्म राजा के पास राजा ने बोला विपर जी एक और ला दियो। अब विपर जी ने हुई मुश्किल और नहीं लावागा ना त्रिशात से देख ले सात में दिन हाजिर हो जाइए लेकर और नहीं तेरा बच्चा कोलू पीट पीट दिया। पहले इसी सजाएं होया करती थी। अब पंडित जी का जाडा चढ़ गया काया थाड़े तो जो है ना जोड़ी बरवान खातिर तने सात और मोल ले ली। अब सारा घूमया क्यों रविदास जी रजा नहीं डर लग गए अके मुंह दिखाओगा उसने जा करके इबोर मिले नहीं सारे सुनार सुनूरा का पूछ लिया बाकी नो कह दिया था राजा ना मुंह मांगा दे दूंगा घबराइए मत ना जो पैसे मांगा मेरे ताक ले जाना पर लिया दिए कंगनी साए। सारे घूम लिया क्या न मिला था कती रोटी छूट गई छठा दिन हो गया। अब वह मिश्राणी कहन लगी कि बात तो बताओ केस है आप तक कति सूख गए आधे भी ना रह रहे। नो बोला मना अपनी सात आप मोल ले ली क्यों के मैं बात तो बताओ। वह सारी कथा सुनाई तो वह ने बोली उन दौरा चला जा और माफी मांग ले संत दयालु होया करें माफ कर देते अब मरता के नहीं करता। अगले दिन जाना ना जाता सारे कुंडबेन बुला लेगा तो भाई राजा तो जाकर रविदास जी के चरणा में पड़कर रोन लाग गया। ने बोला विपर जी आप तो भ्रष्ट हो गए दूर 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 बैठी हमारे से देख मैं नीच सू उन बेरा सारा थाए। न्यू बोला मन शर्मिंदा ना करो अके मैं बात तो बता न्यू बता पहला था गंगा जी ना आया गंगा जी ने तो नाश कराया मेरा ना ना दा तो ये चोखा था बोला के मैं मेरी कौडी ली उसने अको कौडी के का कराया मुकदमा हो रहा मेरे जी ने अक फिर बता तो के होया अक उस माई ने कंगन दिया था और मेरा आ गया लालच में क्यों दिया रविदास जिया थी मैं राजा के पास ले गया राजा ने ये वचन बोल रहा कि शहर आज आज का दिन बीच में से जब जान बचाई जाएंगी हो तो बचा दे ना विपर का पूरा परिवार मरेगा। हाँ सुन लागे बंदी छोड़ न्यू बोला तो माई में रोज नान जाया करता मांग लिया ने कहा और न्यू बोला मैं उड़े भी जा लिया मेरी कोई ना सुनती वा। न्यू बोला तो इस कुंड में हाथ दे ले जिसमें वो चाम ब्याह करते थे डोर नो ब्याह करते थे नो बोला इसमें हाथ दे ले और काट ले का एक चाहिए से नो हाथ दिया तो उसमें 10-12 कंगन आ गया हाथ में। तो रविदास ने बोला एक कह ले जाइए कद्याड़ भी डूब जा उल्टे इस सब घेर दे बाकी नो बोला ये दो जोड़े हाथ मत एक कह ले जाऊंगा। उसने जाकर वो कंगन राजा ते दे दिया। अब रानी इतनी अनजान नहीं थी नो बोली यू कंगन जाया कितने सभी पर मन उस सुनार ते मिलवा दे कद आगे बनवाने पड़ जाए इब एक मुकदमा और हो गया भाई। तो इब उसने सोची अग्नो कदनो बता दिया कि उस तुम्हार दौर ते लिया सू जब शाह तक भाई उस नीची जाति आले का मारा क्यों लिया इब मरदा के नहीं करदा ने बोला जी मारियो चाहे छोड़ियो ये नूर नोमत रविदास जिया ने लाया था ते लाया सुर उसकी कुंड में पाए। अब रानी को विश्वास हुआ कि ऐसे संत के पास तो दर्शन करने चाहिए तो रानी बहुत विद्वान थी समझदार थी ये भी विचार नहीं किया कि उसने यहां बुला लूं क्योंकि संत को बुलाना आने से आ भी जाओ संत पर वो लाभ नहीं देता क्योंकि संत के पास खुद जाना चाहिए। रानी नंगे पाया अपनी सहेलियां ने लेकर राजा से आज्ञा लेकर कि मैं संत के दर्शन करना चाहती हूं।
रानी वहां पहुंचे से पता चल गया कि रानी आवे क्यों पहला जालिए नौकर ना करे। रविदास जी ने बोला कि हो गया जवाब से तान दो रानी से भाई आगे बैठावांगे जिसी में गरबोरी चिथड़े पड़े हैं बिठा दूंगा बैठाऊंगा। आकर बैठ गई उस रानी ने आकर नमस्कार किया न माथा टेक कर न बोले हे पूज्य ऋषिवर संत आपके दर्शन बड़े बड़े भाग से मुझे हुए। अब रविदास जी ने शांति से हुई बोली तो ठीक कदे के मैनू लाग जा कह एक हार और लिया दे मैं कितने लाऊंगा इनकी खातिर क्यों राजा की से रोले होया करें। तो हे महाराज आप महान सत हो संत हो मुझे कोई आत्म ज्ञान बताओ। तो महाराज ने उनको ज्ञान दिया फिर नाम लिया। उस रानी ने एक दिन भंडारा कर दिया। भंडारा किया तो अपने गुरु को बुलाना ही था क्योंकि गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देवे दान गुरु बिन दोनों निष्फल हैं वह पूछो वेद पुराण। भंडारा दिया और उसमें 700 विप्रों को जमाने का निश्चय किया। 700 पंडित विपरजन बड़े मोटे मोटे जनेऊ गाल के क्यों हम दिखावे को ज्यादा पसंद करते हैं। बड़ी लटा होगी बड़ी जटा होगी तो और ज्यादा महात्मा अच्छा समझांगे। एक माला की जगह 5 पैरिया होगा तो और ज्यादा ना सोचांगे यू कि मैं चोखा दिखे से। तो हमारी जो भावना से तो उनमें यही थी विप्रों में मोटे मोटे गड़ा में गड़म घाल रे जनेऊ काचे सूत के और आकर के बड़े सोच ढंग से तिलक विलक लगा करके लाइन पर बैठ जाते हैं जीवने के लिए 700 विपर। भंडारा शुरू होता है उनमें तो एक ही नजर पड़गी के वो चमार जो है अति भंडारे के साथ में आसन पर बैठा हुआ क्योंकि रानी ने तो गुरु को आदर देना ही था आसन लगा के वहां बैठा रखे। रानी नीचे बैठी महाराज जी ऊपर बैठे और साथ में भंडारा चल रहा। अरे विपर जी जी मैं उन्हें देखा रही हूं रविदास कांसी वाला चमार यहां बैठा सारे खड़े हो गए। ने बोला रानी विचार ध्यान से सुन दे अक्के बात कि इस चमार को यहां से उठा दे नहीं हम भोजन नहीं पाओगे और यज्ञ से विपर कोई संत भूखा जाता आपको महापाप के भागी हो गए तो नरक में जाओगी किरा के लागे के। अब रानी हाथ जोड़ के बोली विपरजन ये मेरे पूज्य गुरुवर है और गुरुदेव को मैं अपने मुंह त्यों नहीं कह सकती यहां से चला जा यो भंडारा लागो चाहे मत लागो चाहे मैं नरक के नरक तुम चले चली जा। इतने में रविदास खड़े हो जाते हैं संत जी ने बोले बेटी न्यो निकाह करें संता ने विपर जी मेरे से गलती हुई मुझे अपनी औकात का भी बेरा था। रानी ने कह दिया इसका दिल रखने खातर बच्चे का माड़ा बैठ गया था बाकी मेरा आड़ा बैठने का कति ब्योत नहीं से मैं तो वहां बैठूंगा आपकी जूतियां में और मेरा वहां स्थान है। वहां से उठकर रानी ने बोली महाराज जी आप मत जाओ चाहिए भंडारा ने बोला बेटी गुरु कहे वो करया करें अपनी नहीं चला करें फिर गुरुपद की आप जो ना शिष्य पद की अधिकारी नहीं रहोगी। तो इतने कहकर रानी अपना मन मार के बैठ जाती है। रविदास जी उठकर जूतियां में जा बैठे पाछे में जहां उनके चप्पल जूते कड़े हुए थे फिर वह बैठ गए गांव हुई चौधरे क्यों मान बढ़ाई सहरोला और कुछ नहीं महाराज कहें साहेब के दरबार में गायक कोट अनंत ये गरीबदास जी कहे चार चीज चावस है रिधि सिद्धि अरमान और मेहनत और नहीं चाहता है ना भगवान पड़ो कुएं में पर चौधर मिल जा जाने आसन मिल जा ऊंचा स्थान हो उस तो ऊपर हो तो गुना बढ़िया। तो अरब लाल न बचाए तो रेत में गेर दे और चाहे भाई तजूरी में धर दे कीमत में फर्क नहीं पड़ा करे कदे को ऊपर बैठन तेन सोचा महात्मा बन जाएगा लाल कपड़े पहन तो संत हो जाएगा या ढाडी बढ़ान तो हो जाएगा ये कमाई तो होया करे। हालांकि मेरे गुरु जी भी लाल वस्त्र धारण किया करते हम निंदा नहीं करते किसी की लेकिन जो कमाई करे थे किसी कपड़े हम कर लो सफेद हो चाहे लाल हो। गरीबदास महाराज धोती कुर्ते में रहे सारी उम्र कबीर साहब धोती कुर्ते में रहे सारी उम्र जो यूपी का वेशभूषा थी। रविदास जी नो के नो रहे जितने भी संत हुए उन्होंने कमाई छक्का करी और जिन्होंने की दूसरे ढंग से भी जो वस्त्र बदल कर भी की तो कमाई नाम की जरूर होनी चाहिए उसे किसी में भी हो जाए। कमाई की वहां पर कीमत होती है ना कि भेष बदलन। तो वहां बार बैठ गया बताया भंडारा फिर वह खान ला गया आराम से निश्चिंत होकर। इतनी देर में के हुआ कि 700 रूप रविदास जिया के हुए और एक पंडित जी के साथ बैठकर भोजन खा रहे। आप नहीं दिखता उसने पर दूसरे नो दिखा दे तेरी साथ यू चमार रोटी खावे
ओके तेरे साथ खावे, ओके तेरे साथ खावे, कूदन लाग गए खड़े होके भ्रष्ट हो गए, भ्रष्ट हो गए। गरीबदास जी कह कूद कूद पिस्तावे, रविदास जी ने बैठे विपर जी इसे जूत ना मारो, वहां से आसन तो उठ गया तो यहां बैठा हूं जूतिया में, अरिब नो को मारा धोरे बैठा इश्ता अच्छा तो न्यो को नाड़ कत ही चला जा। वो देखे सचो तो खड़ा और न्यो सातसा के सातसा खड़े और फिर नजदीक आ जाते हैं रविदास जी अपनी सिद्धि शक्ति ते। न्यो बोला तुम तो ये गड़ामा डाल रहे हो सूत का, मेरा देख सोने का है, सोने का अपनी दिव्य दृष्टि से दिखाया कि मैं सोने का दिन हुआ, मेरा भीतर से बाहर नहीं है। कहते उन 700 पंडितों ने उन सारे अपने जनेऊओं को तोड़कर एक तरफ गिर दिया, डाल दिया और बंद उस रविदास जी के पांव पकड़ के शिष हुए। ने बोला बेटा वजन तक पांडा छूटेगा, इन पाखंडा तना बने बात। गरीबदास जी महाराज कहते हैं सवामन सूत हुआ था उन गड़ाना का, ये लिख रहा क्या बंदी छोड़ दे कि सवामन सूत जहां टूटिया काशी नगर मंझार, तो भक्ति करे सो पाई वो पूर्ण सृजनहार। तो मतलब यह है कि जो भजन करे वो भाई इस वस्तु ने पाया करे, वैसे नहीं। तो यहां क्या है कि गरीब कनक कनक कहे सोने को, कनक जने वो कंद दिखाया है रे दास रंगीला, दरे सात से अंग तास को ऐसी अद्भुत लीला। तो ये बंदी छोड़ की वाणी को आपको निश्चय, ये तो बहुत कथाएं ऐसी इसमें, इसमें लगभग 100 कथा है, परंतु एक अंग में तो दो चार बतेरी सुनान खातर तो इतना समय नहीं है, क्योंकि हमने बहुत प्रकरण को लेना है। अब नो क्या करें, खांड की बोरी में तो जहां भी परखी मारोगे खांडे लकड़ेगी, इतनी परखण नहीं आए बतेरी हो सके इसमें खांड से, और खड़की में मारोगे तो खड़े लकड़ेगी इसमें। तो सतगुरु महाराज जो है खांड की बोरी से जड़े तो छेड़ोगे, उड़े तो जो की तो पाओगे। और इसके ऊपर कबीर साहब भी अपना एक शब्द सुनाते हैं, मोकू कहां ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, मोकू कहां ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, मोकू कहां ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास मैं ना तीर्थ में ना मूरत में ना एकांत निवास में, ना मंदिर में ना मस्जिद ना काशी कैलाश में, ना मैं जप में ना मैं तप में, नाम व्रत उपवास नाम क्रिया कर्म में रहता, नाम योग संन्यास में, नाम योग संन्यास, नहीं प्राण में नहीं पेंड में ना ब्रह्मांड आकाश में, नाम तेरे कुटी भंवर गुफा में सब श्वासन के श्वास में, के श्वास में खोजी हो ये तुरंत मिल जा, एक पल ही की तलाश में, कह कबीर सुना बैसा मैं तो हूँ विश्वास में, मैं तो हूँ विश्वास में, खोजी हो एक पल ही की तलाश में, कह कबीर सुना अब बंदी छोड़ा। आखिर मैंने चोड़ कर दे कबीर साहब भी कि मैं विश्वास करोगे तो मैं सूं यानी परमात्मा के रूप में आपकी पूरी मदद करूंगा, और ना विश्वास करोगे तो बीरा तुम वो थारी मर्जी। तो अब आपको हम बंदी छोड़ महाराज के बारे में और जानकारी आपको देना चाहते हैं, क्योंकि जब हमने अपनी इष्ट की शक्तियां का मेरा पता चल लगा
जब हम इसको भगवान स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि राम और कृष्ण को हमने भगवान क्यों माना, उनकी महिमाएं सुनी, उनकी लीलाओं को बचपन से सुन लग गए थे, मात पिता थे, रिश्तेदारां थे, समाज थे, और फिर कथाएं सुनी, लीलाएं देखी, तो भगवान मान के कति पक्कन रूप से मोर ला ली कि ये है, कोई ऐसा नहीं भगवान कृष्ण तो मिल रहा ना राम तो सिर्फ कथा कथा सुन रहे हैं, पर ईब हम इनकी सुनांगे जब हम न्यो नहीं कंधे बंदी छोड़ के, ये भगवान नहीं है, पर ये डीसी ने कोई प्रधानमंत्री कहता है भाई जान दिया तो मान नहीं सकता, अनजान ने बेसिक बंडाए दौर हाँ भी भरे जागा हाँ भाई डीसी प्रधानमंत्री हुए तस है, क्योंकि तकरीबन एक जैसी मिलती जुलती उनके हुआ करें, जैसे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और डीसी में गणांतर नहीं दिखता, अनजान ने झंडी हो सह कार हो गनमैन हो पुलिस भी ले सकते हैं साथ दोनों, तो हमने सोचांगे पांच सात अफसरों को भी कारों को भी ले सकते हैं, तो हमने सोचा करा कि यू ये होगा, क्यों एक सी तब तकरीबन मिलते जुलती उनकी सारी व्यवस्था होती है। तो यहां पारक के अंग से आपको हम सुना रहे हैं बंदी छोड़ की वाणी का कुछ वर्णन, उसके अंदर सारी महाराज ने अपनी लीलाएं बताई हैं कि कैसे कैसे। एक समय की बात है कि बंदी छोड़ गरीब कबीर साहब जी दोनों धर्मों को समझाया करते थे, किस ढंग से कि भाई जो सत साधना है ईश्वर की, जो अच्छी साधना है वह तुम भूल चुके हो। अब हिंदू तो कहते हैं कि मंदिर में पानी गिर दो, जल चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो शिवलिंग के ऊपर, उस सुखी हो जाएंगे, नहीं और स्वर्ग मिल जाएगा। कबीर गरीबदास जी और कबीर साहब ने बोले कति झूठ। गरीबदास जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं पीतल ही का थाल है और पीतल का लोटा, और जड़ मूर्त ने पूजते भाई आवेगा टोटा। फिर तेनो बोले इसते अच्छा तुम्हें वो पीतल का एक चम्मच है ना जिसते खाना परोसा जा दो थाल में डाल दे हाथ ना जले कितना काम आवे। तो कहते हैं पत्तल पीतल चमचा पूजियो जो थाल परोसे, और जड़ मूर्त किस काम की मत रहियो भरोसे, या जड़ मूर्त जो है किसी काम की नहीं इसका भरोसा मत रहना, आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। अर्थात हम ओछी उपासनाओं को जल्दी ग्रहण करते हैं और सच्चाई से डरते हैं, विचार करते हैं, उसमें सौ सौ खामियां निकाल लेते हैं, बंदी छोड़ कैसे न्यो बात नहीं बने भाई। तो एक समय की बात है महाराज जी इन दोनों को समझाया करते थे कि जैसे गरीबदास जी की वाणी आपको हम समझाते हैं सुनाते हैं, उसके बाद अगली हम आपको महाराज की कथा सुनावेंगे, चमत्कार सुनावेंगे। दोनों धर्मों को कहा करते कि एक मुल्ला मस्जिद में कुके एक पुकार है बोका, मुसलमानों को समझा करते कि एक मुल्ला मस्जिद में कुके एक पुकार है बोका, इनमें कौन सा स्वर्ग न जागा हमने लाग्या धोखा। गरीबदास जी के हैं कि बंदी छोड़ कबीर साहब ने कहा करते के मुसलमान भाई क्या करते हैं, एक बकरे को बकरीद वाले दिन काट देते हैं। कैसे काटते हैं, आधी नाड़ काट दें उसकी और फिर एक कलमा पढ़ते हैं, जैसे हमारा वेदों से चारों वेदों से लेकर गायत्री मंत्र तैयार कर रखा है उसी प्रकार उनकी चार कतेब है, उन चारों कतेबों में एक कलमा तैयार कर रखा है, जिस प्रकार अपना ये वेदों से ओम भूर भव स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात है, ये जो मंत्र कर रखा है ना इसको श्रेष्ठ मंत्र मानते हैं, पर यह एक वेद का नहीं है, चारों वेदों से थोड़े थोड़े ले रखे, एक किसे का एक कोसे का एक किसे का, वो पूरा जो जुगाड़ बढ़ा रखा। तो इसी प्रकार उन्होंने चार कतेबों से कलमा बना रखा है, वो कलमा पढ़ देते हैं उसके ऊपर, अरण्यों कहीं वो आत्मा जो है इसकी रूह स्वर्ग में पहुंच जाती है भीष्ट में। बंदी छोड़ने वाले रहे क्यों बंडाओ सो जय या रू नो जाए भीष्ट में, तो अपने बड़का पर पट दो स्वर्ग और बकरिया ने कौन जान दे बोड़ा ऐसा बेवकूफ कोई नाश है, जब पक्का विश्वास नहीं हो जाना कि सिर काटने तो स्वर्ग मिले तो बकरिया नंबर कौन आन दे बोड़ा, तो ये तो बंडा रहा खेसो तुम, पर भाई साची ने कौन सुने सिर फोड़न हो गया बंदी छोड़ की ने, बोला तू तो जो है ना हमारे धर्म की तो ही निकरे कह साची, अरे कह तू तो ही निकरे है। राजा के पास ले गए, बोले जी एक नीच जुलाए का लड़का और इस्लाम धर्म की तोहिन करता है। बंदी छोड़ने बोले रे किसकी तोहिन करूं मैं बताऊं साची बात, अर्तम मारण हो जाओ। तो गरीबदास महाराज के बोले
नहीं है दारम दारा वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा वहां तो है दारम दारा। उस दरगाह में धर्म राय है, उस दरगाह में धर्म लेखा लेगा सारा वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा वहां तो मुल्ला को के बंग सुनावे, मुल्ला को के बंग ना बैरा करता रा वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा वहां तो नहीं है। तीसों रोजे खून करत हो, तीसों रोजे खून करत हो दारम दारा, नहीं है दारम दारा वहां तो नहीं। मूल गवाय चले हो काजी, मूल गवाय चले यो भर लिया गोर अंगारा वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा वहां तो नहीं है। भौजल बूढ़े गए हो भाई, भौजल बूढ़े गए थारा की जयगा मुकारा वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा तो नहीं है दारम दारा। अभी दुआन ले हैं, वेद पढ़े पर वेद न जाने, वेद पढ़े पर वेद न जाने ये बच्चे पुराण अठारह वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा वहां तो नहीं है दारम दारा। अब जड़ पूजनिया ने नो कैसे, जड़ को अंदरा पान खवावे, जड़ को अंदरा वो बसरे सर्जन हारा वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा वहां तो नहीं है दारम दारा। उजड़ खेड़े बहुत बसाए, उजड़ खेड़े बहुत बसाए ये बकरा झोटा मारा वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा वहां तो नहीं है दारम दारा। आ जाको तो तुम मुक्ति कहते हो, जाको तो तुम मुक्ति सो है कच्चे बारा वहां तो नहीं है दारम दार, नहीं है दारम दारा वहां तो नहीं है दारम दारा। माछ मछरिया खाते पांडे, माछ मछरिया किस विद रहे अचारा वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा। सौ जजमान नरक को चले, सौ जजमान भाई डूबे सो परिवार वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा वहां तो नहीं है दारम दारा। छाती तोड़े हने जम किंकर, छाती तोड़े हने जम किंग उड़ लग जम कालारा वहां तो कहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा वहां तो नहीं है दारम दारा। दास गरीब कहे बेकाजी, दास गरीब कहे बेकाजी ना कहीं वारन पारा वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा। दास गरीब कहे बेकाजी, दास गरीब कहे बेकाजी नहीं कहीं वारन पारा वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा वहां तो नहीं है दारम दारा।
इस प्रकार बंदी छोड़ कबीर साहेब उस समय हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मां ने यथार्थ बात बताया करते। न्यो बोले कि जय या रूत भिस्त पठाई कर तदबीर कबीला भाई। बंदी छोड़ गरीबदास जी ने कहे कि कबीर साहब ने कहा करते उन्हें कि जय काजी जी आपने इस बकरे की रूह को आत्मा को और भीष्ट यानी स्वर्ग में भेज दिया तो अपने एक लड़के पर यू एक कलमा पढ़ के दिखा दे। अरे स्वर्ग पान खातिर तो राज छोड़ दिया लोगों ने और सिर धड़की बाजी ला दी और एक मामूली सी काम बना नाड़ कटवा दे भगवान मिलता हो तो कटवा लेना साइड दे काट अपने बच्चे का। तेरा विश्वास नहीं है। इसी प्रकार हिंदू मुसलमान पांड्या ने शुरू कर रखा था एक करौत काशी में नौका अर्दे मुक्ति जब साधना बताते ना लुट पिट लेंदे बोले ना कुछ दिखता नौका उड़ा करौत में नाड़ कटवा ले तोड़ी मुक्ति हो जाएगी। उड़ा जागो बकरे की तरिया उसकी नाड़ कटवाते ईसा कसूता गोच खाना मचा रखा था और हम फिर भी बोले भाड़े जी उसी में उन्हीं की आचरण करते रहे। तो इन संतों ने आकर के उस समय में जो कि मुसलमानों की तरफ एक आंगली भी उठा देता हाथ काट दिया जाता था बंदी छोड़ कबीर साहब ने आकर डंके के जो चोट के ऊपर और सरेआम कहा करते थे क्योंकि मुसलमानों ने अपने सारे तने तना लिए थे सिकंदर लोधी ने भी काट भी लिया था कढ़ाई में भी जलते हुए तेल में भी घेर लिया था फूल की तरिया ऊपर रहे बंदी छोड़ छींट तक नहीं लागी। अब प्रमाण बताएंगे आपको एक मिनट बैठ। इस प्रकार सतगुरु महाराज ने हिंदुओं को भी लताड़ा है और मुसलमानों को भी दोनों को बताया है कि भाई सच्चाई न पकड़ लो ना तने गधे कुत्ते बनते हंडोगे असली वस्तु असली कमाई असली नाम जो हम देते हैं वो मारे दोरस है। अरिया विधि से जो चलते फिरते काम करते करते जैसे गरीबदास जी महाराज थे जमींदार थे जाट थे छुड़ाने के और काम करते करते मुक्ति पाई और कोई हमने सोचा महाराज गुरु जी तस योगी से भाई और नो छात के सरला देश है और भाई 12 वर्ष तक गुफा में रहा तो मैं महाराज कहें इसे मूर्ख कौन होगा जय न्यो करोगे तो मुक्ति हो जो कर थारा गुरु लाग रहा और तुम कर नहीं सकते फिर तुम के बार टिंडे लेने जाओ छोड़ो भाई। जब मुक्ति चाहो सो जन्म मरण से छुटकारा चाहो सो आत्म कल्याण चाहो सो तो उस तरह तो तुम नहीं कर सकते जो योगी बैठे हो फिर उड़ा तुम किस उम्मीद लेकर जाओ मैंने न्यो बता दो ठीक सा थारी को मैं इसका थन ठीक हो जाएगा को दूध दे दे तो दे दे ना भी दे दे ये ही लेन जाओ सो और गधे बनोगे उन ते उस बीमारी ने कौन बचाओगा थारी ने। तो बंदी छोड़ के हमारी शरण में आओ थारे ये काम भी सारा और पशु जो नहीं तो बचाओ और सतलोक ले जाओ और उपासनाओं से स्वर्ग तक जाओगे और हम तुमने स्वर्ग सतलोक ले जाओ। तो इस प्रकार सतगुरु महाराज ने हमें ये पूर्ण रूप से व्यवस्था दी। तो इस प्रकार अब सतगुरु महाराज हिंदुओं को जो होक्का खेचते हैं ना उनके बारे में बताओ से इस होके में कितना पाप से पर इस होके ने बीड़ी में सिगरेट में जो भी है सुल्फे में दारू में मांस में कितना पाप है ये बंदी छोड़ बताओ ध्यान तो सुनियो। अब देखो हम होके ने बुरा क्यों नहीं मानते क्योंकि हमारे समाज में पनप चुका है ऐसा पनप चुका है कि हमारे बच्चे भी पाप नहीं मानते न्यो कहें दादा पीवे है बाबू पीवे है और भाई रिश्तेदारी में जाओ वहां पीवे। जिस प्रकार मांस खाने वाले परिवार मांसाहारी परिवार मांस खाने को पाप नहीं मानते क्योंकि उनके बच्चे बचपन से देखने लगे थे कि तीज त्यौहार के ऊपरे हमारे माता पिता मांस खाते हैं और जहां रिश्तेदारी में जावांगे तो उड़ा कलेजी कलेजी दी जाती है यानी अच्छा बटे होगा ना लड़की का जो आदरणीय दामाद हुस है जैसे हम हलवे बनवा देंगे यहां अपने जो है ना दारू लावेंगे खूब चादर बिछावेंगे और अच्छा बढ़िया होका लाओगे छांट के पड़ोसिया कहते हैं और अच्छा ताजा करके कहें भाई चलन शीली नहीं होने दी भाई सेवा बहुत करी पहले या बोर मान्या करते और हमने बतेरे होके ठोके पहले बटे हुआ के क्यों बेरा था नहीं राचे जो सराह करते भाई यू है ना बड़े होके बरस है ठीक ई बेरा पटा दे कोट को बद कमाई बिना बेरे में और वो मांस जो खाते हैं वो मांसाहारी हैं वो मांस ने बुरा नहीं मानते क्यों नहीं मानते कि सारा वो पावस है बटे हुए जागा जब बकरियां की कलेजे कलेजे काट के बटे हुए ताई दी जा जब वो प्रसन्न हुआ है यानी महापाप का भागी होकर। तो इस प्रकार सतगुरु महाराज ने हमें बताया
अथ तमाखू की बैंत, ये सुनन की बात है। तमाखू कसीद तमा मस्त है, लुजित न सीरी कुवैती न कैफ। ये भाषा जो से मिली जुली है फारसी उर्दू, अब आगे इसका वर्णन होगा। मरहोद मकरूद पीवे शराब, होगा सरे बीच खाना खराब। सरा कहें स्वर्ग को भगवान के दरबार में। कुटन कलाहीन जुग जुग कलेश, भाई सुखन मान मेरा मैं कहता हमेश। तलक सा तमाखू शला घोट पीस, ये नाक में दे से ना सुन गए बुढ़िया, ये भी नाश जान की बात से, कति नरक में जान का बताया बंदी छोड़ दे। तलक सा तमाखू शला घोट पीस, देई नाक नाश और फिर कमल में कशीस। अब अभी बताएंगे आपको, ये फोटो इधर बना हुआ है, इसमें कमल है जो गरीबदास महाराज ने कबीर साहब ने जो कि योगी शर्मार लिए, उनको मुश्किल से प्राप्त हुए एकाद को ये कमलों की झलक, और इस बंदी छोड़ 10 साल के बच्चे ने कबीर गरीबदास जन जो कि तो लिख रखी, क्योंकि अंदर कमल है और उन कमला में भगवान से अपने अंदर, जैसे टीवी पर चैनल बने होते हैं ना, वो लोक हैं तो अपने लोक में, कार्य वहां से उनका सारा, पर जैसे टेलीविजन में स्थान से प्रसारण स्थान से आते हैं और इसमें देख सकते हैं, जिन से चैनल पर लाओगे उसी में दर्शन होंगे अगर टीवी ठीक होगा तो। इसी प्रकार हमारे अंदर चैनल से कमल है, उन कमलों में मूल कमल में गणेश जी और उससे ऊपर कमल को स्वाद चक्र कैसे, उसमें ब्रह्मा और सावित्री जी, और उससे ऊपर है नाभि कमल, नाभि कमल में विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता जी, और उससे ऊपर है यहां हृदय कमल, उसमें महादेव और पार्वती जी, और कंठ कमल के अंदर शेरावाली अष्टंगी आदि माया, जिसको महाराज ने बताया कि ये इसमें है। और फिर सहस्रार कमल के अंदर जो यहां है तो पिछले तरफ पर दिखाना यही पड़ता है, यहां बढ़ नहीं सकता, वो पिछले हिस्से में है, उसमें 1000 पत्ती है, जैसे छोटी बेल होया करे ना या जाम जाती है, कति पतली सी पत्ती होती है और छाबड़ी सी जा। इस ढंग की 1000 पत्ती कमल के से आकार की है, और जो योगी वहां पहुंच जाता है उसमें ज्योत नजर आती है। तो बंदी छोड़ने कहें कि जब ये हम हुक्का तमाखू पीवे हैं तो ये ऑक्सीजन के द्वारा और इस हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, जैसे खून खराब नहीं हो जाता, कहें खून खराब हो गया तेरे को ऑक्सीजन पूरी नहीं मिली, तो वो खून फिर इन कमला में का जहा नाड़िया में का, और जहां से वो गुजरे है तो इन देवताओं ने नाक बंद करनी पड़े है कि पापी के कुकर बैठे हम, यानी हमारे अंदर ये अस्थाई थी तो इसने अच्छी वस्तुएं खानी, परमात्मा का भजन भेजना ताकि हमें भी इसका कुछ महक मिले, अच्छी तरह रहना चाहिए था, शुभ भोजन खाना चाहिए था, अरे यू खावे इसे कुकर्म, दारू पीवे उसकी भी कसस जाती है, सूंघे वो भी अंदर खून में मिलता है, और हुक्का पीवे वो तो जमाए चौड़ा पाड़ है। तो कहें कि फिर ये सारे नाक बंद कर लें कि कहता गलती से इसको मनुष्य शरीर दे दिया, आगे इसने गदार सूर कुत्ते बनावाएंगे, जब ये इसे कुकर्म इसमें डाला तो यहां बंदी छोड़ कहते हैं। तलक सा तमाखू शला घोट पीस, और देई नाक नाश फिर कमल में कशीस, उनमें बदबू जाती है इसकी, उनमें दुख होता है उनको। करी चूर चकना धरा नाम नाश, सत्र गलाई गति काट मास, सत्र गलाई गति काट मास, व्यस्त के दरीबे में जय दीन ही दुलद, और अगर मूल मौला जहां बस है प्रसिद्ध, हिंदू तुर्क को जय दीन ही तलाक, दोनों को ताड़े बंदी छोड़, हिंदू तुर्क को जय दीन ही तलाक, पीवे तमाखू व सरे के कजाक, जो तमाखू पीवे परमात्मा के दुश्मन है, इन दुष्ट आत्माएं बताई। अब क्या बताते हैं कि हिंदू होकर गऊ से तो परहेज करें, हम गऊ का मांस नहीं खांदे, और बंदी छोड़ गरीबदास जी कहते हैं कि एक समय एक ऋषि ने अपने साधु राजा को बुला लिया, न्योता दे दिया कि महाराज जी बनाइयो, पहले वह गए थे फिर सरमानता ने कहना पड़ गया, राजा अपने साधु ने नीचा दिखाण खातर कहते हैं घनी फौज ले गया, अक साड़ी के ऊपर चौधर बन जाएगी तेरी, हकी कंगाल के गेल क्यों ला गिरी से, तो उसने राजा ने संता के पास जो धन होता है वो न्यारा उसे और राजा के पास नहीं हो सकता, उसने काम धेनु इंद्र से अर्ज करी, एक काम धेनु गाय अपने एक तंबू में लाकर बंधवा ली, जब वो शुरू हुआ भंडारा
फौज पहुंच गई तो उन्होंने कह दिया अपने अनुचरों से कि भाई क्यों ऋषि आगे थे 10-20 के भोजन परोस दो, जो मांगे हुआ है उसने मिलर सौर छुका दिए। अब वो साडू राजा बैठा बैठा देखा कि इस तंबू में केले रहे हैं बेराना ये, और कितना आ गया इस दौरे इतना सामान। तो वो कहने लगा ऋषि जी आपने कहां से इतना प्रबंध कर दिया कि मैंने एक गऊ मांग रखी है इंद्र जी से और वो मिलती हमारी कमाई से ही, ये तो अड़ नगदा नगदी खेल है। तो वहां से गऊ आई हुई है और काम धेनु गाय से, और वो उसमें ये गुण से कुछ मांग लो चाहे सारे देश ने छका ले वो छका दे। अब राजा ने सोची कंगाल के एक रहेगा इस गऊ का तो खोश ले नहीं इसने, अपने घर रखिए ठाट से मौजन हो जाएगी। उन्होंने बोला तू के रहेगा कंगाल इसका ला मैं ले जाऊं इसका। उन्होंने बोला नहीं जी अब उधारी ला रखा सू ला रखी मेरी नहीं है ये तो मैं उन इंद्र जी की है। उन्होंने देखी राजा के मन में खोट आ गया, वहीं से अर्ज कर दी है गौ माता मेरे बस की बात नहीं रही अपने स्वदेश लौट जा मेरा काम बनया और धन्यवाद देना इंद्र जी को मैं आभार व्यक्त करता हूं। न्योकंते गौ उस तंबू को पाड़ कर ऊपर चल देती है। राजा ने सोची इसका तीर मारा पाँव में तो पार पैर में तीर लगने से गऊ तो चली गई लेकिन खून टपकना शुरू हो गया। गरीबदास जी महाराज कहते हैं और शास्त्र भी प्रमाण देते हैं कि जहां जहां वो खून गिरा वहां पर तमाखू पैदा हुआ, फिर उसका बीज बढ़ता गया सारा फैल गया। तो तमाखू के ऊपर गऊ के बाल जैसे रूंग होते हैं, आप ध्यान से देखिए। तो बंदी छोड़ यहां प्रमाण भी देते हैं खू नाम खून का खू तमाखू खू नाम खून का खू नाम खू का और तमा नाम गाय भाई 100 बार सौगंध इसको ना खाए। हिंदू होके और तमाखू पियो और गां की आंड रखो तो भाई यह शर्म मान लो। यानी इस बुराई को छुटाने के लिए बंदी छोड़ कितने गजब प्रमाण हमारे सामने पेश कर रहे हैं। भाई कदे कोनो सोचा है कि तो मांगनिया खानिया था जहां दबंडा गया होगा दुनिया ने, इसका बंदी छोड़कर 2,500 बीघे जमीन थी उस समय के पौने 3 बीघे और 1 बीघा होया करता था। 2,500 बीघा जमीन पूरे महा मतलब इनके पिताजी रईस आदमी थे राय साहब थे जाट थे छुड़ानी के, और इन्होंने मारे जैसे तुच्छ बुद्धि जीवों को समझाने के लिए और साथ में इस ज्ञान को गथोड़ के ऐसा बना दिया कि कोई समझ नहीं सकता कि यू ज्ञान से को बद से। ये काल आपने पुराण सुनी होंगी उन पुराणों में के कह रखा से और फिर नो कैसे उलझा पुलझा कह कि यही भगवान पूर्ण ब्रह्म। तो महाराज ने नो कहा कि भगवान जरूर से पर पूर्ण ब्रह्म नहीं से, डीसी साहब जरूर से पर मुख्य प्रधानमंत्री साहब नहीं है। तो जो इष्टवादी हम हो गए एक दो बालक लड़े थे छोटे छोटे ने बोला तन बेरा है ना मैं अवदार का छोरा सू, उन्हें बोला तन बेरा है ना मैं थानेदार का छोरा सू, ने बोला उलदार बड्डा हो से थानेदार थे वो छोरा ठाडा था उलदार वाला उसका दो मारे दड़ा कह बोला थानेदार उलदार बड्डा हो है, बोला ठीक से उलदार बड्डा हो से कि वहां पर वाले भाई के बस की बात से, पर जो बड्डा सा वो बड्डा ही रहेगा छोटा सा वो छोटा ही रहेगा। तो हम अनजान पण फिर डरदा नो कह बोल थानेदार बड्डा को उलदार बोला उलदार बड्डा तो मारे गेल इतने भयभीत कर रखे ज्ञान ने हमने सोचा कि ये इसे जो कुछ है, पर हमने इस बात का जब बेरा पट गया कि देख भाई यो भी शक्ति से उलदार भी पर थानेदार इस तो चोखा है उत्का से ऊपर लिए शक्ति से जिसने ज्ञान से वो सौतः मान जाएगा। पर यही ज्ञान देने के लिए हमने ये चलाई है वस्तु के भूल मना रहे इसे का वहम हो तो शास्त्र आम मिला है तक तो दुकान नाम पढ़ लेना फिर हमारे से बात कर लेना। तो यहां कहा कि गधे समान कौआ कर्म के कुलीन पीवे तमाखू सो फिर जम के अधीन या काल के अधीन रहेंगे। अब वो तमाखू के करह से चदानंद चित में चिशम दर जहूर अधम पाप पापी बहे सवान और सूर कुत्ते और गधे बनते हैं वो। नजला फेरे नैन बिंद कु विध्वंस और नस नाद नाड़ी फिर दम ही न श्वास। अब इस तरह के पाप कितनी मतलब बीमारी बनती है गरीबदास जी कहें पित बाई खांसी ये तमाखू की देन होती है पित बाई खांसी निवासी निवास और भाई कफ दल कलेजा लिया है गिरास कफ के हैं इस थूक ने बलगम ने न्योके युग इसमें और जरा न्योकरे दा थोड़ी सी वो फिर अड़ता टाइक होता
तनो कह को बदाप डाली तने वीरा, समय था जब तनो कह ना अच्छा भर के लाइए छोरे शीला करके है। तो महाराज कहते हैं बाजे ने पित बाई खांसी निवासी निवास कफ दल कलेजा लिया है ग्रास, काला तमाखू और गोरा पिवाक दस बीस लंगर जा बैठे गुटाक। एक भर लेगा ना उक्के की आप देखियो कि तो तमाशा गली में एक भर लेगा ना ई जब मैं लेके जाऊंगे पड़ोसी अरे के ज्ञान खेत में गया था ना करके उड्डा सर थे बैठेंगे उड़े अरे रोकेंगे फिर थोड़ी आड़ में मेरा मेरे वाला कड़ुआ यू भर ले। तो महाराज कहे हैं ये इसे काम कर लाखे हमने अर्चा में मुक्ति और भक्ति की आस। तो बंदी छोड़ के कहे हैं कि पांच दस बीस लंगर अरा बैठे गुटाक, बाजे ने अर गुड़ गुड़ अर हुके हजूम कोरे को बद्दी बिसा है नसूम। कोई बात नहीं उनके जब बतलाओगे ना जब ने कहेंगे भाई फलाना से ने भाई का बनाए दिया मन अमेले पर बनाने का तन्या था फिर ने तन्ने के बना दिया तो हमने बना दिया यानी उड़ा थोड़ी सी आण में मनमान गाड़म गाड़ा खोसड़म खोसड़ा फिर नो कहेंगे भाई का क्या बन जाएगा लाइब का देखांगे यानी उड़ा बनाए जाएंगे बिगाड़े जाएंगे ना राम जपना ना भग और बस की उनका कुछ नहीं। थोड़ी की वाणी ने जब आप समझ लोगे सुन लोगे तो ये शास्त्र इसे लागेंगे मिश्री का अग्ग गुड़। तो महाराज कहते हैं तमाखू के ऊपर कितनी गहराई में ले जाते हैं सतगुरु महाराज सिर्फ हमारे परमार्थ के लिए। उन्होंने कोई इस चीज में शौक नहीं है कि हमें बुरा बुरा कहें या बुराई थी तो बुराई कह दी अच्छी चीज थी वो अच्छी बताए। तो यहां कहा बाजे नौ और ने अर गुड़ गुड़ अर उके हजूम कोरे कुभद्दी बीसा है नसु बाकी है पगड़ी और बाकी है न यानी अच्छी बड्डी न होगी और अच्छा इतना बड़ा तुर्रा छोड़ के और जब पकड़ के बैठेंगे और नो इतनी दूर थे एक तो उड़े ही बैठ जाएगा इन्हों का सरकाई हो रही ना यानी बहुत स्टाइल देख है उनका वहां फिल्म में लावांगे लेके घर बुढ़ लान बैठा के आगे पे आगे देख पी के दिखाइयो। तो जब आपने दिखाओ फिल्म में जो का तो ना होता है ये सारे पीणिए थे जो छोटका रहे हैं इनमें सारे ने बेरा इस बात का इस दुख का बेरा पटा जब उस दिन छोड़ दिया बेचारा ने क्यों को पान दिया के दादा लाइए ससुरा ना पीवा जब भी तो जीवे हैं। तो इस बात का ज्ञान सत्संग से होता है वैसे नहीं हुआ करता है घर बैठ कर तो वही सीखांगे ले आ ले भर ले मेरा सांध ने ले आने घूट दारू की तो उन तक छुटकारा पाकर सत्संग माना चाहिए सत्संग के ज्ञान का आगे फिर वो फीका हो जाएगा। हम ना दबाव से दारू छुड़वा सकते और ना किसी को किसी पॉइंट से नहीं छुड़वा सकते हम ज्ञान से छुड़वा सकते हैं ज्ञान सबसे जब ज्ञान हो जाएगा तो फोड़ दो आगे वरना गणों का तोर फोड़ ले भाई लाके मैं तो मूलांदा नहीं जब इसमें ज्ञान हो जाएगा और उन तक कुआन ढीले और छोटे देगा वैसे कितनी दाव पड़ रही हो कुआं ब्याह शादी में और ना दूसरे राज्य में जाकर पिया होगा राज्य में जिसने कोविद करनी है हुई मतलब तीज त्योहार ने। तो भाव ये है कि ज्ञान से बीमारी कटिया करें और आज हजार परिवार आपको एक पिक्चर हम बनवाना चाह रहे हैं हर गांव में हर घर में जाकर उनके माँ बाप से भी उन बच्चों से भी नहीं पूछेंगे मारा बाप नो करा करता हम इतने दुखी थे रोटी के थाली पर भी लात मार दिया करता और आज यू देवता हो गया ताकि और बीस सुनेंगे उनके नो जचेगी इसको भी तुम्हें छोड़ देना माचा। और ऐसे ऐसे महान जो भगत जन थे आज वो भक्ति भी करते हैं नाम भी लेते हैं आत्म कल्याण भी करते हैं उनका परिवार भी सुखी हो गया। तो यहां कहते हैं गुटक्कड़ हाँ कहते हैं बाकी ही पगड़ी और बाकी है न और डिब्बी डबोए पर डूबे हैं कह आप भी डूब रहे रोरा भी पोता एक बुढ़ा जो है पोते नहीं लेगा गोदी में और वो थोड़ी सी आड़ में बुढ़ेगी न पकड़ लेगा नो कहेगा और बोल भी नहीं जानता और नो खोस कर मुंह में दे लेगा और मुंह में देकर उसका सांस लेगा जब धूमा जा फिर छोरा खांसा कर खुल्लू 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 और पोता और दादा खुश होगा नो कहेगा मतलब छछला खाचे छे खासे रो त्रास के करे यो आप को बदिस के यानी बचपन ते उनको दरक की तैयारी करके हम आप तैयार करने ला रहे अपने बच्चा ने और सब नो के बस है त माड़ी चीज और फिर जब सियाणा होगा ना मड़ा हाथ वो का नहीं चला है नो मारूंगा ससुरा के ओ का भुंडी चीज से खबरदार पिया दे और आपने होगा भर के लाइए होगा थोड़ी हाण में ये उसका क्यों करे सर वो बच्चे का भी ना पिया कर दे यानी दोगला ज्ञान नहीं चले हम मैं उस चीज ने करूं तुम ना नटूंग ना तुम ना करिए कोई सा मानेगा नहीं छोड़ देने गुरु जी भी खेचे हम भी खेचांगे। तो यू काम भाई ज्ञान से होया करे। तो यहां कहते हैं
बाकी ही पगड़ी और बाकी है न डिबी डबोए और डूबे हैं कै गुटाकड़ अटाकड़ मटाकड़ लहूर एक बैठेगा अड़के एक बैठेगा दूर। फिर कहे शब्द मान मेरा मैं कहता तो हे और यू है मूल मंत्र वह तमाखू ना बोयो। इसकी जड़ें खत्म कर दो, इसने बोनाए बंद कर दो। अब बंदी छोड़ मूल को लेते हैं। अब एक समय कोई प्रमाण बताते हैं आपको, एक समय बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज इधर जींद साइड में चले गए, घोड़े पर चला करते बंदी छोड़। वहां पर एक माल खेड़ी गांव है कैथल के पास में, तो उस माल खेड़ी के खेता में कजा थे वहां रुखाड़े होया करते दिन में भी रात नहीं, इसी पहला फसल होया करती मुश्किल तक को राम बरस जाता तो रुखाड़े ने डट करा करते और उड़े झुफड़ी गाल लिया करते। अच्छी बड़ी फसल हो रही थी, महाराज गरीब दास जी उस राई बीच में नो बांगी टेढ़ी बनाया करते, खेतों के बीचों बीच हो जाती सोरट कट, घोड़े ने उसको ऊपर कह लेने जहां थे वो घोड़ा बेदक कह डर कह और खेती में गबाज लिया, खेती में तोड़ता हुआ कई किले दूर का फिर नो फिर नो फिर राई पा गया। अरुण ठाए लठोड़ भाई वो रुखाड़े थे जिन्हें ठाक लाठी एर लिया आगे थे, ने बोला रहा तने घोड़ा आले के मैं गणिया मैं हो जा सब भाई तने राह नहीं दिखता सीधा आ गया। वो पांच सात थे हिर के घोड़े ने कबीर गरीबदास जी का नहीं लठ आया नो और मारण खातरे अगर इसने गेर लोड़ाई गणा माचरा सा घोड़ा लेकर बंदी छोड़ने एक बहन कर दिया गरीबदास जी ने, जो जिस पोजीशन में था कोई नो था तन्वे सर नो कर रहा था तन्वे जाम हो गए। अब नो देखे मटर मटर थोड़ी देर तक देखा फिर महाराज ने एक बहन कर दिया चुत्तड़ जाजा लागे शायरिया की जानो छह महीना के बुखार हो रहा था जब उठे उठा जा नहीं नो मटर मटर लखावा खड़े हो गए ने बोले महाराज कौन सवा फिर महाराज हो गए क्यों जब धोती कुड़ताले दिखे थे नो बोला भाई क्यों मारो थे मैंने अगजे हम तेनो कहना आए थे भाई जो है ना घोड़ा राई राई ले आते भाई इधर के क्यों लाओ थे नो बोले नो सुथरी बदलाओ तो मैं क्या थरी गए नो करूँ तुम तो लठ लेके आए नो भी नहीं पूछा भाई की कारण से पशु से भाई डर भी सके मैंने कोई शौक से थरे घर में खेती उगाड़न का मैं 400 को उसका आदमी 200 को उसका यहाँ आकर तेरी खेती उगाड़न खतर आया हूँ। तो नो बोला जी के बात होगी थी कि तुमने इन पिछले किले में जहां से मेरा घोड़ा डर कर न्यू बाजा से इन में के बो रखा था नो बोला जी इस तो पहली फसल तमाखू थी नो बोला नरबागो जब यू पशु भी इतनी भूंडी बदबू माने क्योंकि वह फसल तो कट भी ली उसके बाद और बो दी फिर भी इस खेत की बदबू नहीं गई है और तुम इसने पियो नरबागो भाई आज पाचा तमाखू ना पियो ये तारे को आशीर्वाद है श्राप नहीं दिया करे संत यो आशीर्वाद दो। नो बोला नो सह जी बटे हुआ से जी बाहर जाना पड़े से पीना पड़े से नो बोला ना थारे चाहे बटे आओ और चाहे ना आओ तमने साबत गांव को आशीर्वाद है मेरा ओका ना पी लियो और ना थरी शायद से अब बंदी छोड़ न्यू कह कर चल पड़े। ये वो क्या अनुमान्य थे छोटी मोटी बात ना न्यू बंडे जाग रहे थे ठीक से गए सो गए इब जुन सा जाकर देखे किसी की तर नै टूटी पड़ी किसी की चलम फूट रही किसी की आग बुझ रही किसी का तमाखू नहीं गायब तमाखू थी माते। अब नो कर रही हूं के शाका इब गांव में आगे क्यों कह ललक उठी उनके चल गांव में लावांगे गांव में भेजे सारे गांव वाले के नो रे नो बोला भाई यो क्या कौन तोड़ गया आज के शाका हो रहा है उनने जाकर बताई अग भाई नो और नो एक ऐसे संत आए थे घोड़े पर और वह कर गए नो कह गए भाई तमाखू आज पास होका प्रयोग ना करिए गांव वाले ने बोले छोड़ डन मेरे यार कोर तोड़ गया होगा नू सर बालक साहब कठड़ू खुल गया होगा बछड़ू खुल गया होगा और लाए काचे अपने आंधे हुए टूट गए। फिर उनने मतलब नहीं मानने तक किसी की महस बीमार किसी का छोरा बीमार किसी का किमे हो गया उदम सूत्र गया फिर बुद्ध अपराण चला कर बुद्ध जाला ने बोला भाई थारे गांव में किसी संत का यू शराब से वह शराब के हम आशीर्वाद कहें आज पाछे पंतना पियो वीराना नाश हो जाएगा थरे गांव का इबुन की मान के पर बंदी छोड़ गई नहीं जची उनका हाँ बंडाणिया भी कह दे थरा भूत रूस रहा से थरा पितर रूस रहा से 50-50 चौराहे पे उनने भी आप ठा लिया होगा क्यों बेरा डर दौर तक को जाको नहीं नहीं थोड़ी अणमु आप ठा लिया यानी उनने अपना धंधा ढूंढ रखा। तो फिर क्या हुआ उन्होंने उस दिन के बाद हुक्का छोड़ दिया। आज भी उस गांव में प्रमाण से एक उसी गांव के ने हमारे से नाम लिया पटियाला चौक जींद पर वो फिर तो मिला नहीं उसके बाद
वो नो कहा था जी मारे गांव में हुक्का आज तक नहीं पींदे, हमने गुण अवगुण बताया ना कि मैं शराब शराब पीऊं सू हम तम्बाकू प्रयोग नहीं कर सकते, क्यों भाई के नौ और नौ गणे दिन हो कई मतलब 200-250 साल हो गए जो बताओ है कोई संत आया था और ऐसे ऐसे हमारे गांव में आशीर्वाद शराब दे गया, वो तो शराब पमाने से बूंद बूंद ने छुटवा दिए और नो कह हम जब को रिश्तेदार को आ जाए ना एक प्रेस में हुक्का बार के तो दरबार रखा है और उसने जेड़ी में टाइम कर लिया आकर नो कह ले अपना भर लेर पी ले दे मारे ते नो बिना कह दे इसने भर के दे दे हम भर भी नहीं सकते उसको। तो बंदी छोड़ महाराज कहते हैं सोनारी जारी करे सुरा 500 बार एक चिलम हुक्का पियो डूबे काड़ीदार, एक भरे भरणीय को पाप सही तो एक चिलम हुक्का भरे वो डूबे काड़ीदार और पीणिए गेल तबेरा ना की बनती होगी। ये सत्कर मान लियो बंदी छोड़ महाराज की बात को जो सत्य मान इसमें 100 की 100 सत है, एक बाणी भी अगर कोई इसमें झूठ सत कर दे उसके जूत और मारा सर। इसमें तो 24,000 बाणी बंदी छोड़ के 48 घंटे चलती है, आज तक पहला शास्त्र है जिसके अंदर हर चीज को उसमें निचोड़ भी दिया उसका वर्णन भी दिया और सार बताया उपलब्धि बताई हर हानि बताई। तो यहां कहते हैं शबद मान मेरा मैं कहता हूं तो हे यही मूल मंत्र वह तमाखू ना वोयो तमाखू तलब अजाजील बंदा ईराना समूल और सरे का वचन जिन कीना अदूल। अब बंदी छोड़ हम सेवकों को जो हम उनके हो चुके उनको नो कहे हैं जब मेरी बात तो मानोगे तो पार और नहीं मानोगे तो थरी वाह दुर्गति होगी तो कितनी भक्ति कर लेना। कैसे एक अजाजील नाम का संत हुआ भगत हुआ उसके गुरु ने बता दिया कि तू जितनी बंदगी करेगा उतना ही उत्तम स्थान यानी तेरी भक्ति बन जाएगी, नाम भी जप और नमस्कार कर। उसने विष्णु जी का नाम जप्या और लंबी दंडौत या बंदगी नमस्कार जैसी भी झुका करना 11 अरब करी। उसने कहते हैं इतना उत्तम स्थान मिला विष्णु लोक में जो कि शेष नाग ने भी नहीं मिल सकता, जो कि एक